देखिए, मेरे सीनियर सिटीजन से भी बात हुई, जैसे मैंने कल भी बताया था, हमारे सारे जो वार्ड मेंबर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब, बाकी सारे ऑफिसर मिलके, तो मैं जो यहाँ पे लोगों ने समस्याएं बताई, जो फिर रिप्रेजेंटेटिव ने बताई, वो यही बताई कि उनकी ड्रेनेज वगैरह की बहुत प्रॉब्लम है, लैंड ड्रेन पुरानी थी वो बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा कनेक्टिविटी की कहीं कहीं प्रॉब्लम है, फिर इनके पास जो एसेट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए ये काफ़ी इच्छुक है। तो अभी जैसे कल भी मैडम डीसी ने भी बताया था कि 1 करोड़ पे आया हुआ है, तो इनके जो वार्ड मेंबर से बड़े क्यूरियस लगे और इनकी सोच बड़ी अच्छी है, ये बोल रहे, इन्होंने जो कल बात की कि हम जो भी काम करेंगे क्यूमुलेटिवली करेंगे, इकट्ठे होकर काम करेंगे ताकि टाउन में रिजल्ट विजिबल होंगे। तो इसी को आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ ब्लैक टॉपिंग के लिए आए हुए थे, निरीक्षण किया हुआ है, सारे वार्ड मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, और अभी हम जो कल कुछ जगहें बच गई हैं जैसे प्रोग्राम के हिसाब से, अभी हम वहाँ भी जाएंगे, तो फाइनल जो हमें सारी इनपुट मिलेगा वो शाम को 4-5 बजे तक हमें हो जाएगा कवर। ये सारा सबसे पहले है कि समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को के लिए हर जगह आपको जैसे नॉलेज में है, एक एक ऑफिसर भेजे हुए हैं, और वो एक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जितने ऑफिसर जिस टाउन में हैं उनके साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर सारा डाटा ले रहे हैं। एक बार आप जैसे डाटा कलेक्ट हो जाता है, उसके साथ साथ में फिर काम भी स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा बैक टू विलेज प्रोग्राम में कभी डीसी मैडम ने बोला कि कल उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया रिलीज़ किया हुआ है, तो कहने का मतलब ये कि जब कोई काम हम स्टार्ट कर देंगे, जब कोई समस्या आएगी फिर उस पर रिडर्सल स्टार्ट हो जाता है। तो एक काम जो जल्दी वाले हैं वो जल्दी हो जाते हैं, जो काम जिसमें DPR बनता है, कुछ बनता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी कुछ इमीडिएट रिडर्सल हैं, जैसे आपके सर्टिफिकेट्स है, डेथ सर्टिफिकेट्स है, कल जैसे मुझे नोटिस में लाया था मीटिंग में सारे काउंसलर्स ने कि यहाँ पे विडो पेंशन के जो केसेस हैं वो अप्रूव नहीं हुए हैं, तो इनका मानना था कि 100 के करीब पेंडिंग है, लेकिन जब मैंने पूरी रिपोर्ट मंगाई तो टोटल 6 केसेस पेंडिंग थे, जिसमें हैंडीकैप अलग है, विडो अलग है, ओल्ड एज पेंशन अलग है, बाकी सारे अप्रूव थे। वो लिस्ट मैंने चेयरमैन साहब के हवाले कर दिए, इनको मैंने बोला कि आप बैंक से पता करें ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा लोगों को, तो आज ये शायद आज या कल में जाएंगे और जिन के वो केसेज हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं बताऊं, जैसे बैक टू विलेज जिसमें मुझे ड्यूटी लगी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस से मैं सबका ऐसा मानता हूं कि जब हम वहां पे गए, जो काम हमने फर्स्ट में बोले थे वो काम वहां पे हो गए थे, जो सेकंड में थे वो पाइपलाइन में थे, थर्ड पे अभी मैं वहां पे गया था तो मुझे लगता है वो भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि आपको गलत हो, लेकिन अगर आप कहीं जाएंगे तो काम हुए हैं, विजिबल हुए, मेरे गाँव में भी काम हुए। थैंक यू की कोशिश की जाएगी, अभी ऑफिसर रेगुलर आते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा, इसमें आप देखते काम होते रहेंगे।